कहीं दोस्तों, मैं हूँ आपका खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइन। दोस्तों कल ईद मिलादुल नबी है और आज मीरा भाईंदर करीब दो साल के बाद जब से कोरोना आया तब से कहीं ना कहीं जो है सारे त्यौहार जो है फीके पड़ गए थे। आज क्योंकि कल ईद मिलादुल नबी है और आज जो है पूरा मीरा भाईंदर जगह जगह लाइटिंग से जगमगा रहा है, मस्जिद भी जगमगा रही है लाइट से और बिल्डिंगें भी आप देख सकते हैं कि कई बिल्डिंग जो है एकदम लाइटिंग से जगमगा रही है और कहीं ना कहीं ये खूबसूरती, ये प्यारी से खूबसूरती देखने में बहुत ही दिल को सुकून देती है। तो दोस्तों ये वही जगह है, इसी जगह से जो है कल ये शम्स मस्जिद के आसपास का इलाका है और कल यहाँ से ही जो है ईद मिलादुल नबी की जो है जुलूस निकाला जाएगा, यहाँ से ही निकलेगा और विभिन्न क्षेत्रों से मतलब अलग अलग क्षेत्रों से गुजरते हुए वापस का समापन भी यहाँ पे ही होगा। तो दोस्तों थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ ही सही, लेकिन ईद मिलादुल नबी मनाने का मौका मिला। इस मौके पे मस्जिद भी खुली हुई है, मस्जिद भी खुल चुकी है तो मस्जिद में लोग जो है नमाज भी पढ़ पाएंगे, नमाज अदा कर पाएंगे और वो सारी इबादत भी कर पाएंगे। त्यौहार, ये त्यौहार लाइटिंग का त्यौहार माना जाता है, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग दिख रही है आपको। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है इस बार ईद मिलादुल नबी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जितने भी त्यौहार आए वो सब हम पूरी तरह से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मना सके, ऐसी हमारी दुआ है। और आप सब भी दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में कोई भी त्यौहार हमें बंद घर में ना मनाना। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को ईद मिलादुल नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much.